वेलकम टू अरुणाचल लैंड ऑफ राइजिंग सन। लव इज अ यूनिवर्सल थिंग एंड पीपल ऑफ अरुणाचल नो हाउ टू लव देयर लाइफ इन द मोस्ट चिल्ड वे पॉसिबल। दिस इज माई मोटरसाइकिल ट्रिप टू मेचुका एंड द स्टोरी बिहाइंड इट। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। This was our last night camping spot. I mean, Machan. ये Machan आलो में अभी हम हैं इन अरुणाचल प्रदेश एंड आलो के बिल्कुल बीच में in a farm. This was a place that we found. Someone gave it to us for camping and यहाँ पे हम रुके। कल रात को बारबेक्यू वगैरह हुए, लोकल स्टोरीज वगैरह, हर एक चीज़ें वगैरह। इट्स रियली एपिक, रियली फन। लाइक सिक्स फ्रेंड्स कम टुगेदर, सो इट वॉज समथिंग लाइक दैट। एंड आज का हमारा डेस्टिनेशन इज मेचुका, विच इज ऑलमोस्ट 7 hours from here, a bit narrow road, but again, I'm really glad क्योंकि today we are going to the Himalayas and the Himalayas of Arunachal will be, अभी तक जितने भी जगहें हम गए थे they were full of forest, other landscape and this, but there is a big mountain there and excited, काफ़ी excited। वहाँ सब कुछ सेट हो गया है, उम्मीद सैडल बैग, टैंक बैग को टेल बैग में कन्वर्ट कर दिया है, दैट्स द गुड पार्ट ऑफ बूमरैंग डट सेट एंड एवरीथिंग इज कूल आउट, पीस आउट। अभी 187 किलोमीटर्स ऑफ ऑल ट्रेचरस रोड, चलो भगते हैं फटाफट। इफ यू गाइस सी इट क्लोजली, आई विल शो इट टू यू, क्या दिक्कत हो रही है, किस लिए हम परेशान हैं। दिस इज द एंटायर इंजन ऑयल इज लीकिंग फ्रॉम द मेन हेड एंड इवन दो वी टॉप्ड इट अप विद ऑलमोस्ट अ लीटर, इट कम्प्लीटली स्पिल्ड आउट। अब नीचे के ड्रेन प्लग से नहीं निकल रहा है, इसके मेन शाफ्ट से निकल रहा है, सो दिस इज़ अ मेजर इशू है ना। तो आप गाड़ी में आओ उनके साथ, बाइक छोड़ के इंजन ऑयल निकलेगा ना तो सी जोन का टेंशन रहता है। तो सर सीन ऐसा है कि नाउ वी आर अ लोन वुल्फ। साकेत ने अपनी बाइक रख दी है, उसकी बाइक नहीं जा पाएगी अब विद द गैस्केट लीक, इट्स वेरी रिस्की, सो ही इज़ गोना कम इन कार विथ सीगा एंड हिज फ्रेंड्स। हम चलेंगे, आप, मैं तो कभी अकेला होता ही नहीं हूँ ना, आप तो मेरे साथ होते हैं, तो आप और मैं हम चलेंगे मेचुका, ज़्यादा टहल के आते हैं। द हाउसेज ओवर हियर आर स्टिल रस्टिक, लुक एट दैट हाउस मैन। आई मीन जिनके पास पैसा है दे आर मेकिंग कॉन्क्रीट हाउसेज, बट आई मीन I haven't seen such big thatched roof houses ever. And look at the size of this house. Pura bamboo ka hai bro. Ab bhaiya yahan pe Mac pura ka pura road jam ho rakha hai. अभी पूरा रोड जाम है, कंस्ट्रक्शन चला हुआ है, बिकॉज ऑफ वाइडनिंग ऑफ द रोड एंड तो टाइम तो बहुत लगा, क्या वो कह रहे हैं कि 1-2 घंटा आराम से लग जाएगा। तो यहाँ पे भाई लोगों ने चिल स्पॉट ढूंढ लिया है, सब लोग यहाँ पे चिल कर रहे हैं आराम से, चिलिंग स्पॉट। यहाँ पे अरुणाचल में लोगों को चिल करने की बहुत आदत है, तो कहीं भी बैठ जाएंगे और चिल करेंगे, तो हम बैठे इनके साथ चिल कर रहे हैं। हम लोग भाषा से इसको मुख भी बोलते हैं। मुख, हाँ, उसके बाद इसको इस तरह से चिला जाता है, इसकी बहुत टेस्टी होता है। हाँ, ये जब बड़ा होता है ना, ये बड़ा होता है, बाहर निकलता है, बाहर निकल के ये गुत्ती बनता है, बहुत रसीला होता है, जनरली जंगल में मिलता है।
भाई यहाँ पे ये भाई तो मैन वर्सेस वाइल्ड वाले हैं, कहीं पे भी कुछ ना कुछ खाने का निकाल लेते हैं, कहीं पे भी, चाहे पत्ता हो, स्टेम हो, कोई जानवर हो, कुछ ना कुछ निकल जाते हैं। सस्टेनेबल ट्रैवल तो कोई इनके साथ करे, कोई जहाँ मिले दबा के खा लो। भूखा नहीं मरेगा इंसान, सही बात है, भूखा तो बिल्कुल नहीं मरेगा। This entire road is full of just landslides and landslides. Abhi first one we crossed and the second one also it got completely niche pura patthar hi patthar gir gaya and abhi ye bhi chala hua hai, pata nahi ye bhi kitna time lagega. So once this gets closed then we will be able to go ahead all the way till there. Oh man, this is a fucking disaster all the time. This behind me is CK Dido waterfall and this comes in between while you go from Alo to Mechuka. I think Mechuka se kuch 80 kilometers pehle and this is massive dude. Like you take a turn, you take a left hand side and the moment you take a left turn and you, this is huge, huge waterfall. It's massively crazy. हमारा कल का खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ, कल का खाना हमारा वही बैम्बू वाला बेहिसाब ताबतोड़ वाला खाना अब हम वाटरफॉल्स के नीचे खा रहे हैं, बिल्कुल एकदम फुल पार्ट, पेट भरेंगे फिर 70 किलोमीटर ऐसे ऐसे के लिए आई थिंक 20 more kilometers एंड फ्रॉम हियर द क्लाइम फॉर मेचुका स्टार्ट्स। थोड़ा स्टीप रहेगा एंड बारिश का मौसम, भैया बारिश मत करना, बाइक नहीं चला पाएंगे, इतने तो गर्म कपड़े भी नहीं लाए हम। द लैंडस्केप हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली, आई मीन आई कैन सी लॉट ऑफ ब्राउन शेड ग्रीन की जगह, बिकॉज ऑब्वियसली एट दिस ऑल्टीट्यूड ऑफ 12,000+ feet थिंग्स चेंज, ब्राउनिश कलर देखने को मिलता है और मेरे हाथ जम गए हैं। लास्ट 10 किलोमीटर में इतना चेंज हो गया ना टेम्परेचर। अभी यहाँ पे जस्ट बिफोर मेचुका वी जस्ट स्टैंड ओवर हियर एंड अभी ये लोग कह रहे हैं कि दे गोना ब्लास्ट अ ह्यूज माउंटेन ओवर हियर, सो इट्स गोना बी ह्यूज थंडर साउंड, तो डरिएगा मत, मेरी तो थोड़ी फटी हुई है बट ऐसे करना है ऐसे।